कब लगता है? हाँ, आपको समझ में आ गया, जब ये कहता है कि अब साथ नहीं रह सकते। तो अब यहाँ देखो, ये मग्गा उठा लिया हमने, और ये प्लास्टिक मग्गा है। क्या है? प्लास्टिक मग्गा। देखो कितना प्यारा सा प्लास्टिक मग्गा है। जब फोटो ली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक। ऐसा नहीं है। अब H2 कहां जाएगा, O2 कहां जाएगा? तो सो हेलो बियर्सियंस, आज हम लोग बात करने वाले हैं लेक्चर 8, और लेक्चर 8 में हम लोग देखेंगे पिछले लेक्चर में, क्योंकि हम लोग 7th लेक्चर में देख चुके हैं, और 7th लेक्चर में जो आधा अधूरा छोड़े हुए हैं उसी को कंप्लीट किया जाएगा। और 7th लेक्चर हमने क्या दिखा था? वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया हमने 3 पार्ट देखे थे। हमने कहा था अभिक्रिया के भी पार्ट होते हैं। हमने कहा कि कितनी प्रकार की अभिक्रिया होंगी, तो हमने बताया था 5 प्रकार की अभिक्रिया होंगी। अब वो कितनी होंगी आपको जाके आई बटन क्लिक करके देखना है, और ध्यान रखिएगा कि हर एक पॉइंट को नोट पॉइंट करके लिखते हुए चलना है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम लोग बात कर चुके हैं अभी तक वियोजन अपक्रिया, और वियोजन अपक्रिया के हमने प्रकार भी देख लिया। वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होंगी, और 3 प्रकार में जो हमने पहले बात किया है, वो पहला बात है ऊष्मीय वियोजन। अगर आपको, आप नए विजिटर हैं, तो जाके ऊष्मीय वियोजन देखिए। ऊष्मीय वियोजन देखने के लिए लेक्चर 7th में जाइए, और लेक्चर 7th, और आज का लेक्चर है लेक्चर 8। हम लोग बात करने वाले हैं कि हमने बात किया था वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होंगी। पहला ऊष्मीय वियोजन, दूसरा विद्युत अपघटनी वियोजन, और तीसरा क्या हो जाएगा? हमने बात किया था प्रकाशीय वियोजन। तो दूसरा हेडिंग लगाएंगे बाबू, विद्युत अपघटनी वियोजन। क्या लिखेंगे? विद्युत अपघटनी वियोजन, विद्युत अपघटनी वियोजन। इसे क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। ठीक है, तो विद्युत अपघटनी वियोजन को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं बाबू इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन पे, और वो है इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। यह कहता है कि यहां आपको समझ में आ रहा है कि विद्युत मतलब की धारा, विद्युत मतलब की धारा, कि बिना धारा के यहां कुछ होने वाला नहीं है। तो हम इसको इंग्लिश में भी लिख ले पहले, इसे क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे बाबू इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन, विद्युत अपघटनीय वियोजन। तो हम बोलेंगे वह वियोजन या वियोजन का वह प्रकार जिसमें धारा प्रवाह करने पर अभिकारक 2 या 2 से अधिक भागों में टूटकर नए उत्पाद का निर्माण करें, उसे क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनीय वियोजन। तो हम लिखेंगे वियोजन का वह पार्ट या वियोजन का वह हिस्सा या वियोजन का वह प्रकार, क्या बोलेंगे? वियोजन का वह प्रकार जिसमें धारा प्रवाह करने पर अभिकारक टूटकर नए उत्पाद का निर्माण करे, उसे विद्युत अपघटनी वियोजन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? विद्युत अपघटनी वियोजन, उसे विद्युत अपघटनी वियोजन कहते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? विद्युत अपघटनी वियोजन का मतलब कि अंडरलाइन करिएगा यहां पे एक पॉइंट, और अंडरलाइन में पॉइंट यह है कि जिसमें धारा प्रवाह करने पर, क्या करने पर? धारा प्रवाह करने पर अभिकारक क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, और टूटकर नए उत्पाद का निर्माण करेगा, तो ऐसी अभिक्रिया या ऐसा वियोजन का प्रकार क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटनी वियोजन। परंतु विद्युत अपघटनी वियोजन कैसे होगा, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक इक्विपमेंट बनाना पड़ेगा, एक हमको लैब में चलना पड़ेगा, और ऐसे उपकरण लेके आने पड़ेंगे। लैब में नहीं जा सकते तो अपने घर में आइए। घर में आने पर हमने कहा कि एक मग्गा उठाओ। क्या उठाओ? मग्गा। अब यहां देखो, ये मग्गा उठा लिया हमने, और ये प्लास्टिक मग्गा है। क्या है? प्लास्टिक मग्गा। देखो कितना प्यारा सा प्लास्टिक मग्गा है, और प्लास्टिक मग्गा हमने उठा लिया, इसमें हमने क्या कर दिया कि पानी भर दिया, पानी पूरा भर गया। ये क्या है? पूरा पानी। पानी को नीले कलर से दिखा दिया जाए, ये देखो बाबू पानी, ये क्या है? इसमें पानी। इसे क्या बोलेंगे? प्लास्टिक मग। क्या बोलते हैं? प्लास्टिक मग। और इस प्लास्टिक मग के अंदर हमने भर दिया है पानी। अब इसमें धारा कैसे प्रवाह करेंगे? तो हमने कहा कि एक रॉड लो, और उस रॉड को कह दो एनोड। क्या कह दो? एनोड। और एनोड को कहना पॉजिटिव। क्या बोलना? पॉजिटिव। दूसरा एक और रॉड लो, उस रॉड को बोल दो कैथोड। क्या बोल दो बाबू? कैथोड।
और कैथोड को लेना निगेटिव। क्या करोगे? निगेटिव। तो एक रॉड हो गया एनोड और दूसरा रॉड हो गया कैथोड, तो एक एनोड की तरह हो गया, दूसरा कैथोड के हो गया। अब यहां से जोड़ेंगे, ये देखो यहां से वायर निकालेंगे और इस वायर पे एनोड वाले पे क्या कर दो, स्विच लगा दो, और स्विच लगा के इन दोनों को लेके प्लगिंग कर दो। प्लगिंग मतलब कि दो प्लग लो और दोनों प्लग को एक बैटरी से या किसी भी स्रोत से जोड़ दो। जैसे ही जोड़ दोगे इसमें क्या होने लगेगी, धारा प्रवाह होने लगेगी, और धारा प्रवाह होगी तो ये क्या है H2O। अगर हम इस रिएक्शन को लिखें तो ये H2O ब्रेक हो जाएगा H2 प्लस O2 में। परंतु मजेदार ये बात कि अब H2 कहां जाएगा, O2 कहां जाएगा, तो इस संरचना में अगर हम देखें तो ये ग्राफ एनोड वाला एनोड में आ जाएगा H2 गैस, क्योंकि सॉरी एनोड में H2 गैस नहीं आएगा क्योंकि H हाइड्रोजन क्या है पॉजिटिव और एनोड भी क्या है पॉजिटिव। तो यहां पे कौन आएगा, किसका स्वागत करेगा, ऑक्सीजन का। हमेशा पॉजिटिव किसका स्वागत करता है, निगेटिव का, और निगेटिव किसकी स्वागत करती है, पॉजिटिव का। तो यहां पे देखो ये कैथोड निगेटिव है तो हाइड्रोजन क्या है पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन गैस यहां आ जाएगा, जबकि एनोड कैसा है पॉजिटिव तो ऑक्सीजन गैस यहां आ जाएगा। और ऐसे प्रकार से हम कहेंगे आपने अभिकारक लिया H2O और विद्युत के प्रवाह से वो टूटकर बनाए H2 प्लस O2, मतलब कि यह एक प्रकार का वियोजन हुआ है और यह वियोजन धारा के वजह से हुआ है, तो इस प्रकार इसे हम बोलेंगे विद्युत अपघटनी वियोजन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो वियोजन का वह प्रकार, मतलब कि वियोग का वह प्रकार, एक दूसरे से जब हटते हैं दूर होते हैं तो उसे वियोग बोलते हैं, और वियोग का वह प्रकार जिसमें धारा लगी हो, जिसमें करंट लगा हो, और करंट कब लगता है, हाँ आपको समझ में आ गया, जब दो लोग हटते हैं तो एक के वजह से दूसरे को क्या करता है, करंट लगता है। कब? जब ये कहता है कि अब साथ नहीं रह सकते, तो हाइड्रोजन कहता है ऑक्सीजन से कि देख अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते क्योंकि एक करंट आ गया है, और करंट क्या है, गार्जियन। गार्जियन का करंट जैसे ही आया हाइड्रोजन अपना अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। इस प्रकार के उपकरण या ऐसे एक व्यवस्था को हम क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी वियोजन, जहां धारा दी जा रही है। धारा देने पर दो, मतलब कि अभिकारक टूटकर एक अभिकारक, एक जिन्हें हम कह सकते हैं, हम तुम और वो अलग हो गए, मतलब कि हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। अब तीसरा हम लोग डालने हैं बाबू प्रकाशीय वियोजन। क्या डालेंगे? प्रकाशीय वियोजन। क्या इसको अब रफ किया जाए? ठीक है, ऐसे ही नोट करिएगा। अब हम तीसरा हेड डालेंगे प्रकाशीय वियोजन, तो अब इसे हम मिटा देते हैं। अब नेक्स्ट हमारा तीसरा हेडिंग है प्रकाशीय वियोजन। क्या है? प्रकाशीय वियोजन। तो वियोजन का तीनों पार्ट खत्म हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन। प्रकाशीय वियोजन जिसे बोलते हैं वो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? फोटोलिटिक, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। अब बात करते हैं फोटोलिटिक क्या है। जब फोटो ली जाती है तो उसे क्या बोलते हैं, फोटोलिटिक। ऐसा नहीं है, फोटोलिटिक का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे के लिए हुआ था। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन ब्लैक एंड व्हाइट कैमरे में होता है, परंतु इसको समझेंगे कि फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन होता क्या है। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन वह प्रक्रिया है, क्या बोलेंगे, कि वियोजन की वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाशीय ऊर्जा के कारण अभिकारक दो या दो से अधिक भाग में टूटकर नए उत्पाद का निर्माण करे, उसे क्या बोलेंगे, प्रकाशीय वियोजन। तो लिखेंगे वियोजन का वह प्रकार, क्या लिखेंगे, वियोजन का वह प्रकार जिसमें अभिकारक प्रकाश, लाइट, प्रकाश हो गया, और प्रकाश में कैसा, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की प्रकाश या प्रकाश लाइट के वजह से टूटकर नए उत्पाद का निर्माण करे, नए उत्पाद का निर्माण करे,
क्या कहलाएगी? प्रकाशीय वियोजन, प्रकाशीय वियोजन कहलाती है। मतलब कि हमने बोला कि सूर्य के प्रकाश की वजह से अगर वियोजन हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन बोलेंगे। और प्रकाशीय वियोजन क्या होता है? सूर्य के प्रजेंस में यह क्रिया होता है तो हम बोलेंगे ऐसा वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। आप सीधे बोल सकते हो कि ऐसा वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में, सिंपल सा बोल सकते हो, जो हमने लिखा उससे भी हट के आप बोल सकते हो कि ऐसा वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। आओ एग्जाम्पल देखते हैं कि ऐसा कौन सा है कि जो प्रकाशीय वियोजन में कार्य करेगा। तो प्रकाशीय वियोजन में कार्य करने वाला एक एग्जाम्पल है जिसका नाम है AgCl। क्या बोलेंगे इसे? सिल्वर क्लोराइड। तो AgCl को जैसे ही हम लोग ब्रेक कराएंगे और ब्रेक कराएंगे तो क्या करेंगे यहां पे? सनलाइट गिराएंगे। देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, ये सूर्य सूर्य भगवान जी यहां से ताक रहे हैं और सूर्य भगवान ने अपना यहां पे एनर्जी गिरा दिया और जैसे ही यहां पे सूर्य की ऊर्जा इनको फील हुई अब ये टूट जाएंगे, इनमें वियोजन हो जाएगा Ag+Cl में, जबकि ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। तो इसको Ag कर दें, ये ट्वाइस ऑफ Ag और ये Cl2 बन जाएगा। ये क्या है? सॉलिड। ये भी बनेगा सॉलिड परंतु ये क्या बन जाएगा? गैस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमने कहा कि प्रकाशीय वियोजन जब प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन हो तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन। याद रहेगा कमांडो? देखो यहां पे अब हम बात करें वेलसेंस की, अगर कोई पूछ दे कि आपको कि प्रकाशीय वियोजन क्या है तो प्रकाशीय वियोजन में आपको हमेशा याद रखना है कि जब प्रकाश की उपस्थिति हो और प्रकाश की उपस्थिति के कारण अगर रिएक्शन प्रोसीड कर जाए तो उसे क्या बोलेंगे? प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। जैसे अगर हम कह दें कि अगर यहां पे बोल दें कि AgBr ले लिया जाए, AgBr ले लिया जाए और इसको भी फिर वही करा दिया जाए तो जैसे हम क्रिया कराएंगे तो AgBr को क्रिया कराएंगे प्रकाश की उपस्थिति, तो आप हम लिख देंगे सनलाइट। क्या लिखेंगे? सनलाइट। एक बार लिख भी देना, क्या लिखोगे बाबू? सनलाइट। और जैसे ही सनलाइट लोगे यहां से मिलेगा ट्वाइस ऑफ Ag और साथ में Br2। क्या यह अभिक्रिया दिखाई दे रही है? यह अभिक्रिया या यह प्रकाशीय वियोजन जब हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट जो फोटोग्राफी होती थी उसमें यूज होता था। इसका यूज कहां है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो यूज कहां था? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। आप देखते थे कि ब्लैक एंड व्हाइट जब फोटोग्राफी होती थी तो एक प्रकाश निकलता था चुप देख करके, जैसे ही जब वो प्रकाश निकलता तो आधे लोगों की तो आंखें ऐसे बंद हो जाती थी। तो उसे क्या बोले थे? वही अभिक्रिया है, प्रकाशीय वियोजन प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? प्रकाशीय वियोजन। तो वियोजन की वह प्रक्रिया जिसमें हम बोलेंगे कि वियोजन की वह प्रक्रिया या बोलेंगे कि प्रकाशीय वियोजन वह प्रक्रिया है, वियोजन की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की उपस्थिति के कारण अभिकारक टूट जाते हैं और टूटकर नए उत्पाद का निर्माण देते हैं, निर्माण करते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। कोई दिक्कत इसमें? कहीं भी कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तीनों पॉइंट को, जैसे हमने बोला उष्मीय वियोजन, विद्युत अपघटनीय वियोजन और प्रकाशीय वियोजन को बांधने वाला एक अभिक्रिया कहलाता है उष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। पिछले टर्म में हमने बताया था कि एंडोथर्मिक रिएक्शन के नाम लिए थे परंतु हमने बात नहीं किया था, आज हम बात करेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसको मिटा दे, क्या नोट कर लिया वेलसेंस ने आपने? ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं बाबू उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो इसको हम मिटा देते हैं, रफ करते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हमने उष्मा क्षेपी अभिक्रिया देख लिया, आज हम लोग बात करेंगे उष्मा शोषी। उष्मा शोषी, उष्मा शोषी अभिक्रिया जिसे क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे वो? एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो लिखेंगे ऐसी अभिक्रिया, समझ लीजिए, लिख देते हैं फिर उसके बाद हम आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं। क्या बोलेंगे? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया को कराने के लिए
ऊर्जा की आवश्यकता आवश्यकता होती है उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो जब भी आपसे पूछेगा कोई कि उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, तो कहना कि जो उष्मा को सोख ले, मतलब कि उष्मा को ले ले, जो उष्मा को लेने के बाद अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करे, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी? उष्मा शोषी अभिक्रिया। मतलब कि वहां पे क्या लग रहा है? उष्मा लग रहा है। तो अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल में कौन होगा, तो एग्जाम्पल में लिखेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे? वियोजन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में आ जाएंगे वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया के जितने भी प्रकार हैं वो सब कैसे हैं? उष्मा शोषी अभिक्रिया। तो हम बोलेंगे कि वियोजन अभिक्रिया मेजरली क्या हो गया? वियोजन अभिक्रिया क्या हो गया? उष्मा शोषी अभिक्रिया हो गया। लेकिन पहला ही तो था उष्मीय वियोजन, जिसमें उष्मा लग रहा था। हमने कहा था, आपको एग्जाम्पल दिया था उष्मीय वियोजन का, उष्मीय वियोजन का हमने एग्जाम्पल दिया था। यहां पे हम सबका एग्जाम्पल लिख के आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि उष्मीय वियोजन का हमने कहा था फेरस सल्फेट FeSO4, और FeSO4 को उष्मा दी गई थी। क्या दी गई थी? उष्मा। और जैसे ही दिया, ये बना फेरिक ऑक्साइड Fe3O2, और साथ में बन गया SO2, और साथ में बना SO3। क्या इतनी बात समझ आ रही है? क्या इतनी बात समझ में आ रही है कि Fe3O2, और जैसे ही हमने देखा कि SO2 और O2 प्राप्त हुआ, तो हमने देखा, अच्छा यहां पे देखो एक चीज क्लिच आ गया कि हम बोलेंगे कि Fe2O3 बनता है, फेरिक ऑक्साइड से बोलते हैं फेरिक ऑक्साइड। तो यहां पे देखिए, हमने कहा था कि जब फेरस सल्फेट को उष्मा दी जाएगी तो क्या करेगा? फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाएगा। मतलब कि हमने क्या किया था बाबू, यहां पे उष्मा दिया था, तो इस प्रकार यह अभिक्रिया कैसा हो गई? एंडोथर्मिक रिएक्शन। कैसी हो गई? एंडोथर्मिक। उसी प्रकार दूसरा हमारा था, दूसरा क्या था? विद्युत अपघटनी वियोजन। और विद्युत अपघटनी वियोजन में भी हमने क्या किया था? धारा दिया था। धारा मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी, करंट। तो हमने कहा कि इसका एग्जांपल था H2O, और साथ में हमने दिया था धारा। इसमें कैसी प्रवाह, किस प्रकार की उष्मा दिया था? धारा। धारा भी एक प्रकार क्या है? उष्मा है। तो हमने धारा दिया, धारा मतलब कि करंट दिया, कि टूट गया था H2+O2 में। और तीसरा हमारा था जो प्रकाश ऊर्जा, तुमने बोला था प्रकाशीय वियोजन। क्या बोला था बाबू? प्रकाशीय वियोजन। और प्रकाशीय वियोजन में हमने कहा था कि अगर हम देख लें तो AgCl को हमने लिया था, और AgCl के साथ हमने लिखा था प्रकाश ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा चाहिए? प्रकाश ऊर्जा। और प्रकाश ऊर्जा लेके ये टूटेगा Ag+Cl2 में। तो ये हमने रिएक्शन आपको समझाया था। एक चीज मेजरली जो हमें यहां पर नोट पॉइंट इन अभिक्रियाओं को नोट पॉइंट में हम देख के लिख लेंगे, नोट पॉइंट ये है कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो उष्मा किधर लिखते हैं? मैंने यहां खड़े होकर बताया था कि ये हो गया मेरा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया राइट हैंड साइड, मतलब कि अभिकारक के तरफ। तो हम बोलेंगे कि उष्मा शोषी अभिक्रिया में उष्मा अभिकारक के तरफ ली जाती है, उष्मा अभिकारक की तरफ ली जाती है। जब अभिकारक उष्मा लेगा और लेकर ही क्या हो जाएगा? वियोजन हो जाएगा, विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा। मतलब कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा ली जाए क्या कहलाएगा? उष्मीय। अगर हम बात करेंगे उष्मा शोषी, तो हमने कहा कि जितना भी वियोजन अभिक्रिया है, जितने भी पार्ट हैं वियोजन अभिक्रिया के 1, 2, 3, वो सब क्या है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो ध्यान से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमने तीनों देख लिया, तीनों देखने के साथ साथ हमने उष्मा शोषी अभिक्रिया देख लिया। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं विस्थापन अभिक्रिया पर, परंतु इससे पहले आप लोग रिवीजन करते रहिएगा, नोट्स अच्छे तरीके से बनाइएगा, हर एक पार्ट को अच्छे तरीके से रिवाइज में रखिएगा, क्योंकि बेहतरीन चीजें हैं और यहीं पे सीधे सीधे बोर्ड में क्वेश्चन उठा के यहीं से पूछ दी जाती हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, उष्मा शोषी अभिक्रिया क्या है, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो आराम से, इत्मीनान से एक एक चीज को समझना है, और समझते हुए अच्छे से नोट्स बनाना है,
और बार बार रिवाइज करना है ताकि आपके दिमाग में फोर ब्रेन से होते हुए मिड ब्रेन से होते हुए हिंड ब्रेन में चला जाए और हमेशा यहां पे बातें इकट्ठी रहें, तब तक जब तक बोर्ड आप नहीं दे ले रहे हो। बोर्ड दे लो भूल जाना, परंतु बोर्ड तक याद रखना है एक एक पॉइंट हमने जो भी लिखा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है बच्चों, धन्यवाद। लेक्चर देखिए, मजेदार तरीके से पढ़ाई करिए। धन्यवाद।